जो शिविर है ये शिविर नहीं कहूँगा मैं, ये एक सेलिब्रेशन है। 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन जिला चिकित्सालय दुर्ग में हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि मरीजों के लिए विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे कि रंगोली कार्यक्रम होगा, गायन प्रतियोगिता होगी, पोस्टर मेकिंग होगा। हम स्कूलों में जा करके जो है छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को, और इवन कि उनके जो माता पिता हैं बच्चों के, उनको भी ये चीज़ें बताएंगे कि किस किस प्रकार से मानसिक रोग हो सकते हैं और क्या क्या उसका इलाज हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं नेशनल लेवल से हमारे पास जो आंकड़े आए हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी लगभग 50 लाख मानसिक लोग जो हैं वो मानसिक रोगों से ग्रसित हैं, जिसमें कि केवल 10 से 12 लोगों को ही मानसिक रोगों का इलाज उपलब्ध हो पाता है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जागरूकता की कमी है और जो लोग हैं वो झाड़ फूँक और अंधविश्वास जैसी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए अक्सर मरीज जो है वो देर से इलाज के लिए आते हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ वासियों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि यदि कभी भी मानसिक रोग के किसी भी प्रकार के लक्षण आपके अपनों के अंदर, बच्चों के अंदर नज़र आते हैं, तो आपको मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए। और ये जो धारणा है कि एक बार जो दवाई शुरू हो जाती है वो आजीवन चलती है, बिल्कुल गलत है। हमारी दवाइयाँ 6 महीने से साल भर के अंदर बंद हो जाती है और मरीज पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। मैं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, मनोरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय दुर्ग।